के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हर किसी को अपने धर्म की उपासना करना या पूजा पाठ और इबादत करने का हक है और उन्हें इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत तब आती है जब स्कूल कॉलेज जैसे शिक्षा संस्थानों में जहां ड्रेस कोड लागू होता है वहां लड़कियां हिजाब पहनकर चली जाती हैं। ऐसे स्थानों पर कम से कम ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, लेकिन दक्षिण राज्य कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में जब ड्रेस कोड का पालन नहीं किया गया तो बीजेपी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर ही बैन लगा दिया, जिस पर सो कॉल्ड सेक्युलर्स और कट्टरपंथी मौलानाओं को तकलीफ होने लगी और वैसे जैसे नेताओं ने इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी की। लेकिन जिन मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब पहनने से रोक लगाई गई थी उनमें एक लड़की तबस्सुम शेख भी थी, जिन्हें हिजाब बैन होने से कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि तबस्सुम शेख ने हिजाब की बजाय शिक्षा को प्राथमिकता दी और आज इसी कदम के दम पर उन्होंने इतिहास रच दिया है। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने जब स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई तो सरकार के इस फैसले का सामना 18 साल की तबस्सुम शेख को भी करना पड़ा, जो एक निजी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन उन्हें सरकार के फैसले से कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि तबस्सुम शेख के लिए धार्मिक विश्वासों का पालन करने से ज्यादा जरूरी शिक्षा हासिल करना था, इसीलिए उन्होंने हिजाब छोड़कर शिक्षा को चुना। और उनका ये फैसला कितना सही था वो अब जाकर सामने आया है जब उन्होंने अच्छे नंबरों के साथ टॉप किया है। शुक्रवार को कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित पीयूसी द्वितीय परीक्षा में शीर्ष अंक हासिल करते हुए इस साल स्टेट आर्ट्स में टॉप किया है। उन्होंने 600 में से 593 अंक हासिल किए हैं और हिंदी मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में 100 अंक हासिल किए हैं। बेंगलुरु की नागरत्नम्मा मेधा कस्तूरी रंगा शेट्टी राष्ट्रीय विद्यालय यानी NMKRV कॉलेज फॉर वुमेन की छात्रा तबस्सुम शेख ने कहा, मैंने हिजाब छोड़ने और अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। हमें शिक्षा के लिए कुछ बलिदान करने की आवश्यकता होती है। पूरे कर्नाटक में पीयूसी में हिजाब प्रतिबंध को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अराजकता को याद करते हुए तबस्सुम ने कहा, वो अपनी शिक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित थी क्योंकि तब तक उन्होंने हमेशा कक्षा में हिजाब पहना था, लेकिन सरकार के फैसले के बाद उन्होंने हिजाब छोड़कर अपनी शिक्षा जारी रखना बेहतर समझा। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तबस्सुम शेख बताती है, इसने मुझे प्रभावित किया, मैं चिंतित थी। मेरे कुछ दोस्त दूसरे कॉलेजों में चले गए जहां हिजाब पहनने की अनुमति थी और कुछ अन्य ने स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए स्विच किया, लेकिन शिक्षा और हिजाब के बीच मैंने शिक्षा को चुना। बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए हमें कुछ बलिदान करने की आवश्यकता होती है। तबस्सुम शेख ने आगे बताया, राज्य सरकार के आदेश के बाद जब वो कॉलेज जाती थी तो रास्ते में हिजाब पहनती थी और कैंपस में प्रवेश करते समय नियम का पालन करती थी। मेरे कॉलेज ने एक अलग कमरा निर्धारित किया था जहां मैं कक्षाओं में जाने से पहले हिजाब उतार सकती थी। वहीं तबस्सुम शेख के पिता अब्दुल खाम शेख, जो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया, जब आदेश लागू किया गया था मैं बहुत स्पष्ट था कि हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तबस्सुम शेख की ये सफलता बता रही है कि उन्होंने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनकर जाने से बेहतर अपनी शिक्षा को तरजीह देना समझा, इसलिए आज वो बेहतर अंकों से टॉप कर सकी है। तो वहीं तबस्सुम की ये सफलता उन कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ ही नेताओं के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो हिजाब को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे थे। अगर कर्नाटक की बीजेपी सरकार का हिजाब पर बैन लगाने वाला फैसला इतना ही गलत होता तो हाईकोर्ट भी इस पर बैन लगा देती, लेकिन कोर्ट ने भी माना कि हिजाब इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है और छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म का उल्लंघन या मनमाने कपड़े पहनकर स्कूल आने का अधिकार नहीं है। बहरहाल हिजाब के बजाय शिक्षा को तरजीह देने वाली तबस्सुम शेख ने जिस तरह से अच्छे अंकों के साथ टॉप किया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिजाब मामले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए, अबे दाढ़ी मेरी टोपी मेरी बुरखा मेरा तुझे क्या करना है उसे। अच्छा अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में क्या बोलेंगे, मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए,
बाढ़ में डायना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले ने पाकिस्तान ने कहा, हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बर्तानिया जाना पड़ा, ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला को हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो, तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो, ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है, आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले से काम करिए। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं, मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर, हम मुबारकबाद देते हैं। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है, ये कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है। और हमारा मानना ये है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं? पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, आप उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है। अरे आप मुझसे कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो, जेड कैटेगरी ले लो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुमको हत्या करने के लोग चार चार गोलियां चलाए। तो हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ओवैसी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाओ कि हम सब बराबर हो जाएं।